मावली मारवाड़ रेल लाइन को लेकर नीति आयोग से मिली हरी झंडी, सांसद ने की मुलाकात। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने दिल्ली में आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर संसदीय क्षेत्र में रेल संबंधित मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान रेल मंत्री ने बताया कि मावली मारवाड़ अमान परिवर्तन नीति आयोग की हरी झंडी मिल गई है, जिसका कार्य जल्द प्रारंभ होगा। साथ ही मेहरता से पुष्कर व और बर से बिलाड़ा दोनों नई रेलवे लाइन पर कार्य गतिशील हैं। इसके सर्वे के बाद DPR के आदेश निकाले जाएंगे। वार्ता के दौरान कोरोना काल में बंद हुई विभिन्न ट्रेनों के ठहराव को पुनः प्रारंभ करवाने और सालासर एक्सप्रेस को पुनः प्रारंभ करने का आग्रह किया। साथ ही लोकसभा क्षेत्र के रेन गोटन मेहरता डेगाना ब्यावर व सेंदड़ा में नई ट्रेनों के ठहराव की स्वीकृति के लिए आग्रह किया। रेल मंत्री द्वारा आश्वस्त कर सकारात्मक जवाब देते हुए बताया कि अनुरोध अनुसार विभिन्न मांगों की पूर्ति के लिए कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का मावली मारवाड़ अमान परिवर्तन की तकनीकी प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने का आश्वासन दिया। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। प्रशिक्षण शिविर में 30 भूमिहीन कृषक महिलाओं को जैविक वर्मी कंपोस्ट की गतिविधियां बताई। राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत श्रमिक की कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण के लिए 2 दिवसीय महिला प्रशिक्षण शिविर में लच्छीराम सहायक कृषि अधिकारी, तुलसीराम सहायक कृषि अधिकारी उद्यान, महावीर सिंह राठौर कृषि पर्यवेक्षक, हेमलता कृषि पर्यवेक्षक द्वारा महिलाओं को जानकारी दी। ये 2 दिवस का जो प्रशिक्षण हमने राज्य सरकार के आदेश के अनुसार करवाया है, भूमिहीन महिला कृषकों को जो है हमने घरेलू घर के ऊपर जो है अपने आजीविका साधन के लिए वो जेम जेली आजाद मुरब्बा बना सकती है, उसके अलावा उनकी भूमिहीन होते हुए भी अपनी आय का स्रोत किस तरह से बढ़ा सकती है, वो अपने आय के स्रोत कैसे बेहतर कर सकती है, वो हमने सिखाया है। और इसके अंदर जो कृषि विभाग की जो भी वर्तमान योजना है उनका हमने विस्तार के लिए जो इनको अवगत कराया गया है। इसके इस प्रशिक्षण शिविर में बीकावास, सेलागुड़ा, खाकरमाला, गोवल के भूमिहीन 30 महिला कृषक को जैविक खेती, वर्मिंग कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट बनाने की विधियां, पौध संरक्षण के उपयोग की विधियां, फल व सब्जी प्रशिक्षण, जैम जेली अचार मुरब्बा आदि तैयार करने की गतिविधियां विस्तार पूर्वक महिलाओं को समझाई गई। इसलिए जो आपने कार्यक्रम में जो सीखा है इसके लिए आपके जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है समय में बोला? ये जो 2 दिवस में हमने सीखा वो अच्छा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे को ऐसा सीखने को मिला है कि हमने छोटी जगह में भी थोड़ी बहुत उत्पादन कर सकते हैं, साग सब्जी से ऐसे सब कुछ कर सकते हैं। और 2 दिन में हमने ये भी सीखा कि अगर हम कुछ घर बैठ के कुछ नहीं होगा तो कुछ अचार कुछ भी मुरब्बा बना के हम सब कुछ कर सकते हैं। साथ ही शिविर में उन्नत कृषि यंत्रों के प्रयोग की विधियां का प्रशिक्षण दिया गया, साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। SRK कॉलेज में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को लेकर तैयारियां जोरों पर। राजसमंद जिले में पहली बार पर्यावरण, सतत विकास एवं मानव स्वास्थ्य पर बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी राजसमंद स्थित सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय में 16 व 17 दिसंबर को यानी 2 दिन तक चलेगी। सबसे खास बात यह है कि राजस्थान में पहली बार 3 राजकीय महाविद्यालयों द्वारा यह संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि राजसमंद स्थित सेठ रंगलाल कॉलेज में चित्तौड़गढ़ स्थित महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय और सीकर स्थित राजकीय महाविद्यालय साइंस के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश भर से लगभग 1000 से ज्यादा वैज्ञानिक, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, शोध विद्यार्थी और उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी शिरकत करेंगे। देखिए, ऐसा है कि सेठ रंगलाल कोठारी गवर्नमेंट कॉलेज राजसमंद और राजस्थान के 2 और कॉलेज हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज चित्तौड़गढ़ और एक गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर। ये 3 कॉलेज मिलकर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। कॉन्फ्रेंस हमारी 16 और 17 दिसंबर की है, 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस चलेगी, जिसमें पूरे देश से कई सारे प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स और इसके अलावा कई सारे साइंटिस्ट हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो एब्रॉड से हैं, वो फिजिकली यहाँ उपस्थित नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो ऑनलाइन अपना प्रेजेंटेशन देंगे। मुख्य
उद्देश्य क्या रहेगा? मुख्य उद्देश्य इस कॉन्फ्रेंस का ये है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना चाहते हैं जहां पर पर्यावरण, ह्यूमन हेल्थ और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम सतत विकास भी कह सकते हैं, उससे संबंधित जितनी भी रिसर्च हो रही है उस रिसर्च को वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपना प्रेजेंटेशन दे सकें और जो दूसरे साइंटिस्ट हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके साथ शेयर कर सकें। शुभना, मेरा नाम है डॉक्टर दुर्गेश शर्मा, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ जूलॉजी में। मैं इस कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ और हमारे साथ में है चेतन जोशी, ये भी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, ये सीकर कॉलेज से हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ दिनेश जी हंस सर हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज राजसमंद में ही है, ये इस कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर हैं। राजसमंद के दक्ष का CBSE वेस्ट जोन बॉक्सिंग में गोल्ड जीता। लक्ष्मीपत सिंगानिया स्कूल के छात्र दक्ष प्रजापत ने 17 वर्षीय छात्र वर्ग की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन स्टेप बाय स्टेप पब्लिक स्कूल अलवर द्वारा 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया गया। छात्र दक्ष की इस उपलब्धि के लिए विद्यालय के संयुक्त उपाध्यक्ष आर केडिया एवं प्रबंधक अनिल मिश्रा ने शुभकामना संदेश देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय अभिषेक ने छात्र दक्ष की इस उपलब्धि पर बधाई दी तथा नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए शुभकामनाएं दी। विद्यालय के छात्र दक्ष का गोल्ड मेडल में चयन होने पर विद्यालय की ओर से उन्हें शुभकामनाएँ दी गई। विद्यालय के जरूरतमंद 70 बच्चों को भामाशाह द्वारा स्वेटर वितरण किए गए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेर का भीलवाड़ा मोर्चा में भामाशाह मोहनलाल चौधरी द्वारा विद्यार्थियों को स्वेटर वितरण किए गए। विद्यालय के शिक्षक रतन सिंह मोयना ने बताया कि पाली लोणावा के भामाशाह मोहनलाल द्वारा सर्दी से बचाव के लिए जरूरतमंद 70 बच्चों को ऊनी स्वेटर वितरण किए गए। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भामाशाह ने कहा कि बच्चों को उज्जवल भविष्य के साथ साथ संस्कार भी उन्हें जरूरी हैं। इस दौरान विद्यालय स्टाफ द्वारा भामाशाह का उपरना ओढ़ाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक पेमाराम चौधरी, विक्रम सिंह सोलंकी, रतन सिंह मोयना, अमर राम भील आदि मौजूद थे। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी को लेकर स्काउट्स ने किया गायन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंचोली में जम्बूरी प्रोमो गीत पाली धरा पर लाग्यो मेलो, हम सब हो जाए तैयार, आई जम्बूरी शांति प्रगति का संदेश लाई जम्बूरी गीत का स्काउट्स एवं विद्यार्थियों द्वारा गायन किया गया। कार्यवाहक प्रधानाचार्य उमेश कुमार शर्मा ने बताया कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में इस विद्यालय के 18 स्काउट्स, मंडल गतिविधि प्रभारी राकेश टांक, दलाराम भील व खेम शंकर भील के नेतृत्व में रोहट पाली में 28 दिसंबर से प्रतिनिधित्व करेंगे। ओ पसंद चलांगा जी, ओ सब सैर करांगा जी, ओ कोई रहना जावे हो। इस दौरान जम्बूरी प्रोमो गीत पर कार्यक्रम में बैठे बच्चे उत्साहित हो गए। साथ ही कार्यक्रम में एक बुजुर्ग ने जमकर नृत्य किया। केंद्रीय हेल्थ टीम ने आरके जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। केंद्र सरकार के रीजनल ऑफिस हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग जयपुर के सीनियर एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर दीपक सक्सेना के नेतृत्व में टीम ने राजसमंद जिला चिकित्सालय का व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद टीम ने व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की। डॉक्टर सक्सेना के नेतृत्व में टीम मेंबर्स ने हॉस्पिटल में NCD, कैंसर विभाग, कैंसर वार्ड, लेबोरेटरी ICU वार्ड, आपातकालीन वार्ड, MCH विभाग के लेबर रूम, नवजात शिशु वार्ड एवं मदर मिल्क CLMC का निरीक्षण किया। प्रयोगशाला सुव्यवस्थित मिली तो कैंसर वार्ड में 3 मरीजों को कैंसर थेरेपी दी जा रही थी। आज NHM के विजिट के दौरान में हमने MCH विंग का भी निरीक्षण किया था। जिस तरह से उन्होंने SNCU को और मिल्क बैंक को अच्छे से डेवलप करके रखा है, और गायनी वाला डिपार्टमेंट हमने देखा, उसमें जिस तरीके से सर्विसेज अवेलेबल कराई जा रही हैं, और यहाँ पे जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में
स्टाफ इतना ना होने के बावजूद और स्पेस के कॉन्स्टेंट के बावजूद जिस तरीके से ये लोग मैनेज कर रहे हैं ये काबिले तारीफ है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि इनकी सराहना की जानी चाहिए और ये बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत हैं कि इनको देख करके किस तरह से इनोवेटिव आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट करके अच्छे से अच्छा आउटकम हम ले सकते हैं। इस अवसर पर पीएमओ डॉक्टर ललित पुरोहित, डॉक्टर संदीप शर्मा, डॉक्टर मंजू पुरोहित, डॉक्टर सारांश संबल, नर्सिंग अधीक्षक नरेंद्र महात्मा आदि मौजूद थे। सिलिकोसिस व टीबी से बचाव के लिए लगा चिकित्सा शिविर, 153 श्रमिकों की जांच। सिलिकोसिस व टीबी बीमारी से प्रभावित मरीजों की जांच के लिए खनिज विभाग आमेट व चिकित्सा विभाग राजसमंद की ओर से आगरिया मार्बल खान क्षेत्र एवं ग्राम राजेती ग्रेनाइट क्वार्ट्ज फेल्सपार खनन क्षेत्र में चिकित्सा शिविर लगा। खनिज विभाग के मोहम्मद अंसारी के नेतृत्व में सहायक खनि अभियंता राकेश कांठेड़, नारायण लाल गमेती, खनि पर्यवेक्षक पंकज आमेटा, चिकित्सा विभाग आमेट से डॉक्टर आदित्य आचार्य, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, चिकित्सा विभाग राजसमंद से सिलिकोसिस शेष जांच दल में मनीष रेडियोग्राफर बेरुलाल द्वारा खान में कार्यरत श्रमिकों की सिलिकोसिस बीमारी की जांच की गई। डॉक्टर आदित्य आचार्य, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सिलिकोसिस बीमारी के लक्षण तथा उससे बचाव के बारे में श्रमिकों को विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान आमेट में कुल 102 श्रमिकों का आगरिया खनन क्षेत्र व 51 श्रमिकों की राछेती खनन क्षेत्र में जाँच की गई, साथ ही इसके बचाव के उपाय भी बताए। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 255 मरीजों की जांच। नराणा गांव में पैसिफिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल व पैसिफिक डेंटल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर बिलों का बेतला उदयपुर व रेखा अजय सोनी के संयुक्त तत्वावधान में विशाल निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर लगा। शिविर में चर्म रोग, दंत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा जाँच एवं परामर्श दिया गया। शिविर में रोगियों को निःशुल्क दवाई दी गई। चिन्हित रोगियों को ऑपरेशन के लिए उदयपुर रेफर किया गया। रेखा अजय सोनी द्वारा नजदीकी चश्मे भी वितरण किए गए। शिविर में 225 रोगियों का पंजीयन होकर 18 रोगियों को आंखों के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया। शिविर में पूर्व सरपंच हमराज सिंह, पूर्व सरपंच बंसीलाल बेरवा, मांगीलाल गुर्जर, पोखर गुर्जर जीरण, नारायणलाल गुर्जर, ईश्वर सिंह चुंडावत, खुमान सिंह चौहान, मांगीलाल गुर्जर बस्तीमल, बंसीलाल गुर्जर, हरलाल गुर्जर, चक्रवीर सिंह चौहान, भवानी सिंह, महेंद्र सेन, दलपत सिंह, पारसमल सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी शिविर में पहुंचे। न्यायाधीश ने मोही वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने मोही में संचालित वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान रजिस्टर में 13 वृद्धजन दर्ज पाए गए, जिनमें से 12 वृद्धजन उपस्थित मिले। एक अन्य वृद्धजन को घर जाना बताया गया। चिकित्सक द्वारा 2 नवम्बर को वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण करना बताया गया। 2 वृद्धजनों के अलावा सभी वृद्धजनों का स्वास्थ्य सही मिला। दोनों वृद्धजनों का उपचार किया जा रहा है। न्यायाधीश ने वृद्धजनों से संवाद करते हुए भोजन एवं अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान भोजन के लिए गाजर का हलवा एवं ढोकला की तैयारी की जा रही थी। गृह प्रभारी द्वारा जानकारी दी गई कि वृद्धजनों को सुबह नाश्ते में पोहे, दाल, चावल, चपाती दी गई। भोजन की गुणवत्ता संतोषप्रदक मिली। न्यायाधीश ने सफाई व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही वहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने दिया ज्ञापन। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने कलेक्टर नीलाब सक्सेना को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न मुलाकातों तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुए संवाद में महासंघ की मांगों को उचित मानते हुए बार बार निस्तारण का आश्वासन भी दिया। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग के स्तर पर भी वार्ताओं में कई दौरे हुए, लेकिन शासन के स्तर पर महासंघ की अधिकांश मांगों पर आज दिन तक सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके अतिरिक्त महासंघ के घटक संगठनों द्वारा किए गए विभिन्न आंदोलनों में शासन और सरकार द्वारा सहमतियां तथा लिखित समझौते तो किए, लेकिन एक भी समझौते की क्रियान्विति नहीं की गई, जो कर्मचारी संगठन के विरुद्ध सरकार की छल व विश्वास तोड़ने की नीति प्रदर्शित करती है। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पीएम फसल बीमा योजना प्रचार के लिए वैन रवाना।
वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के लिए अधिसूचित बीमा कंपनी के द्वारा कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देश की अनुपालना में IIC गतिविधियों की क्रियान्विति के लिए जिले के कृषकों में फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए वैन कैंपेन अभियान का शुभारंभ जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना व उप निदेशक कृषि कैलाश चंद मेघवंशी, सहायक निदेशक कृषि सतीश चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जिला समन्वयक धर्मेंद्र कुमार, उप जिला समन्वयक रोहित आनंद, कृषि विभाग के पंकज कुमार, बीमा कंपनी के तहसील प्रतिनिधि के साथ कृषि विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। यह वैन जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार का कार्य करेंगी। FIR से नाम हटाने की एवज में रिश्वत लेने वाले हेड कांस्टेबल को जेल भेजा। चारभुजा थाना क्षेत्र की गोमती पुलिस चौकी पर FIR से नाम हटाने की एवज में 20,000 रुपये की रिश्वत लेने वाले हेड कांस्टेबल को ACB टीम ने ट्रैप कर लिया। साथ ही थड़ी संचालक दलाल को उदयपुर स्थित ACB न्यायालय में पेश किया, जहां से 28 दिसंबर तक के लिए जेल भेज दिया। दलाल गोमती पुलिस चौकी के सामने ही सब्जी की थड़ी लगाता है। ACB राजसमंद के DSP अनूप सिंह ने बताया कि अर्जुनगढ़ देवगढ़ निवासी हाल चारभुजा थाने के गोमती चौकी में कार्यरत हेड कांस्टेबल डाऊराम पुत्र चुन्नीलाल चसाजी का गुड़ा चारभुजा निवासी दलाल सब्जी की थड़ी संचालक भंवरनाथ पुत्र लेहरनाथ को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से न्यायालय ने करते हुए 28 दिसंबर तक के लिए जेल भेज दिया। आरोपियों ने चारभुजा थाने में दर्ज FIR से नाम हटाने की एवज में हेड कांस्टेबल डाऊराम ने 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। इस पर परिवादी ने नाम और FIR संबंधित डिटेल नहीं बताने की शर्त पर 1 दिसंबर को शिकायत का सत्यापन करवाया, जिसमें मामला सही पाया गया। इसके साथ ही पुलिस चौकी गोमती के बाहर सब्जी की थड़ी संचालक दलाल जसाजी का गुड़ा निवासी भंवरनाथ के माध्यम से 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों ACB की टीम ने मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को राजसमंद ACB कार्यालय लाया गया, जहां पर गहन पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया। ASP बेरवा का प्रमोशन होने पर कलेक्टर सक्सेना और SP चौधरी ने लगाए स्टार। राजस्थान पुलिस सेवा में पदोन्नति पर सूची जारी करने के बाद राजसमंद ASP शिवलाल बेरवा का सीनियर स्केल से सीनियर सिलेक्शन स्केल में पदोन्नति होने पर कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और SP सुधीर चौधरी ने ASP शिवलाल बेरवा के कंधों पर अशोक स्तंभ के नीचे स्टार लगाकर पदोन्नत किया। वहीं कुंभलगढ़ DSP नरेश कुमार शर्मा का भी पदोन्नति होने पर DSP व ASP बने गए, जिस पर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और SP सुधीर चौधरी ने DSP शर्मा के कंधों पर अशोक स्तंभ लगाया। ASP शिवलाल बेरवा व DSP नरेश कुमार की पदोन्नति पर पुलिस विभाग में हर्ष हैं। वहीं दोनों की पदोन्नति होने पर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और SP सुधीर चौधरी ने दोनों को बधाई दी। फर्जी दस्तावेज से जमीन का मालिक बनकर विक्रय करने पर 15 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज से जमीन का नकली मालिक बनकर जमीन विक्रय करने के मामले में राजनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजनगर थाना प्रभारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि फर्जी दस्तावेज से जमीन का नकली मालिक बनकर जमीन को विक्रय करने के मामले में 15 साल से फरार आरोपी को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। सज्जन नगर निवासी मनीष कुमार गर्ग पुत्र पवन कुमार ने 3 सितंबर को रिपोर्ट देकर शिकायत की थी। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए अब इससे पहले 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। वहीं इस मामले में एक और आरोपी फरार चल रहा था, जिसको पुलिस ने इस मामले में 15 साल से फरार चल रहे आरोपी अंबा माता जिला उदयपुर निवासी अजय कुमावत पुत्र गणपत लाल को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक संपन्न। जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 3 एजेंडे रखे गए, जिन पर चर्चा की गई।
एक का निस्तारण किया गया जबकि दो को अगली बैठक के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया। वहीं इस बैठक के दौरान जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया जिसमें प्रमुख रूप से बिजली, पानी, अतिक्रमण, पेंशन और सड़क संबंधित समस्याएं जिले भर से आए फरियादियों ने रखी। विभिन्न उपखंड के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक से जुड़े। कलेक्टर ने कई समस्याओं का हाथों हाथ निस्तारण किया, साथ ही अधिकारियों को फोन लगाकर तत्काल फरियादियों की समस्या का त्वरित निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिए। इस दौरान आयोजित बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। गैराज से चोरी का पर्दाफाश, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। आमेट पुलिस ने रेलवे फाटक इलाके में गैराज से बोलेरो कैंपर कार चोरी करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। आमेट थाने के सहायक सब इंस्पेक्टर जयसिया ने बताया कि 9 अगस्त को नरेश कुमावत ने एक लिखित में रिपोर्ट देकर बताया कि रेलवे स्टेशन इलाके में रिद्धि सिद्धि कार केयर नाम से उसका गैराज है। 8 अगस्त की रात को अज्ञात चोर गैराज का ताला तोड़कर उसमें खड़ी बोलेरो कैंपर कार और अन्य सामान चुरा लिए। इसकी जांच करते हुए पुलिस ने कुंवरिया थाना पुलिस द्वारा एक प्रकरण में गिरफ्तार देवगढ़ थाने के निमजर निवासी नारायण लाल सोनी से पूछताछ की तो उसने अपने साथी दिनेश गुर्जर के साथ मिलकर चोरी की वारदात करना कबूला। इस पर पुलिस ने दिनेश गुर्जर को गिरफ्तार कर दोनों से कड़ी पूछताछ की तो दोनों ने चोरी करना कबूल किया है। दोनों ही की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई बोलेरो कार को भी बरामद कर ली। साथ ही आरोपियों से पूछताछ जारी है।